के मल्लावा कोतवाली क्षेत्र में कस्बे के चौराहे पर हरदोई कानपुर मार्ग पर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष कार्यालय पर आपस में भाजपाई कार्यकर्ताओं के भिड़ने एवं फायरिंग से कस्बे में दहशत फैल गई। मुख्य मार्ग पर फायरिंग से अफरा तफरी मच गई और राहगीरों ने छिपकर जान बचाई। दोनों पक्षों के समर्थकों में हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए। सूचना पाकर प्रभारी DM अनंत कुमार, SP आलोक प्रियदर्शी, ASP ज्ञानजय सिंह समेत भारी संख्या में पुलिस पहुंची। तमाम को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरा मामला क्या है? सुबह से कल की घटना है। कल 8:30 बजे हमारा छोटा लवाई चौराहा जा रहा था सब्जी मिले ने, और वही इनकी स्कॉर्पियो खड़ी थी शराब ठेका के सामने। उसमें 4-5 अज्ञात लोग बैठे बीड़े पी रहे होंगे, तो अब ये मालूम ही नहीं हो पाया कि लड़ाई हुई किसको लेके है। खिड़की खोली, हम मौके पर पहुँचे तो उन्होंने छुड़ाया, मतलब पूरी क्लियर जानकारी नहीं पर क्यों लड़ाई वगैरह थे। खिड़की खोलने लड़ाई वगैरह थे, गाड़ी ताक रहे थे। और आज विधायक ने 1200 समर्थक लेके सीधे हमारे घर पे हमला बोला और फायरिंग की। आशीष सिंह आशु, लेकिन हवा को सूचना मिली कि जो चेयरमैन आगे हैं उनके घर पे कुछ झगड़ा हो रहा है और वहाँ पे दो पक्षों में आपस में लड़ाई हो रही है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची, वहाँ फायरिंग की भी सूचना थी। मौके पे पुलिस ने पहुँच करके भीड़ को डिस्पर्स कराया और कुछ लोगों को हिरासत में लिया। घर की तलाशी ली गई, उसके अंदर से कुछ पुखे चलाए हुए वेपन और उस तरह की चीज़ें बरामद हुई हैं। कई लोगों को हिरासत में लिया गया वहाँ शांति भंग की आशंका में, और एक पक्ष से तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें बताया गया है कि एक अंकित नाम का व्यक्ति जिसे गन शॉट इंजरी है, उसका इलाज CSC में करा करके उसको रेफर किया गया है। डॉक्टर से पूछने पर उसकी हालत सही बताई गई है, खतरे के बाहर बताई गई है। और इसके अलावा एक दो और लोगों को भी बताया गया है कि उनकी चोटें हैं। तहरीर लिख करके मुकदमा कायम करके उसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, और मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैयार कर लगा दिया गया है ताकि फर्दर कोई इस तरह का इंसिडेंस ना हो पाए और लगातार सजा दृष्टि रखी जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि विधायक समर्थकों और चेयरमैन के समर्थकों के बीच में झगड़ा हुआ था, क्या इस बारे में क्या जानकारी? इसके बारे में जांच पड़ताल चल रही है। एक तरफ चेयरमैन जो यहाँ के हैं उनका कहना ये है कि उनके ऊपर यहाँ के जो लोकल विधायक हैं उनके लोगों ने उनके घर पर अटैक किया। इसके जवाब में इनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स फायरिंग से और पत्थरबाजी से दिया गया। पूरे प्रकरण की जाँच की जा रही है और तहरीर प्राप्त करके उसमें आवश्यक कार्रवाई की। सर, कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है पलवे में और क्या है? अभी मौके से कुल 25 लोगों को हिरासत में लिया गया है, और उसमें से अभी जो तहरीर प्राप्त हुई उसमें कुछ नामजद लोग भी हैं। पूरे मामले की जांच करके लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, और साथ ही डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।